हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर द पर्सनालिटी। और आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो बहुत अरसे से आना चाह रही थी बट आ नहीं पा रही थी, कॉमनली नोन एज मारिया फ्रॉम लम्स। तो जी मारिया, आप अपने बारे में कुछ बताएं। अच्छा, पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं फाइनली पहुंच गई हूँ लम्स यहाँ पे। लेकिन ये है कि अपने बारे में अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मेरी जिंदगी की हाईलाइट स्टार्ट होती है NIC से, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे मैंने 3 साल काम किया और वहाँ पे आई गेट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। और अभी तक ये है कि लम्स भी है मेरी जिंदगी में, NIC भी है, को वर्किंग स्पेस में भी मैंने काम किया है इन डिफरेंट कैपेसिटी, मेजरली कम्युनिकेशन और पार्टनरशिप्स में काम कर चुके हैं। सो मारिया, एक्सपीरियंस तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, और लेकिन मैंने ये सुना है कि आपको सिर्फ मारिया फ्रॉम लम्स नहीं कहते, आपको डॉक्टर मारिया भी कहते हैं। तो ये क्या स्टोरी है कि भाई पहले मेडिकल, फिर बिजनेस, और अब आप टेक्नोलॉजी में आ गई हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपने मुझे याद करा दिया कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। सो लाइक एवरी टिपिकल पाकिस्तानी डॉक्टर, आई वॉज रियली एक्सीलेंट इन माई एकेडेमिक्स। तो मेरे अब्बा को था कि नहीं, यू नीड टू गेट दैट प्रीफिक्स ऑफ डॉक्टर। बेटी तो डॉक्टर बनेगी। बेटी है तो वो डॉक्टर बनेगी। खैर, मैं डॉक्टर बन गई, लेकिन मुझे पता था कि मेरी सोल फिट नहीं हो रही इस चीज़ में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग मुझे NIC का पता चला, वहाँ पे इंटर्नशिप्स ओपन हो रही थी, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, मैं इंटरव्यू के लिए गई, और वहाँ पे उस वक्त डायरेक्टर थे फैसल शेजान, मैं उनके साथ रूप में इंटरव्यू कर रही थी, मैं उनको अपना बैकग्राउंड बताने लगी, उन्होंने मुझे ही सडनली स्टॉप मी सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बैकग्राउंड। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि ये क्या हुआ, इनको कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपके कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो NIC के साथ अलाइन कर रहे हैं, सो अगर आपके वो क्लियर हैं तो कल से ज्वाइन कर लो। और मैं तो क्लैरिटी लेके गई थी, क्योंकि मुझे जिंदगी में और कुछ आता ही नहीं था, मेडिकल नहीं करना था, स्केप ये था। मैंने उनको 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए सेट के, कल से ज्वाइन कर लो। सो वहाँ से मेरा NIC का स्ट्रक्चर, वो सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ, और डॉक्टर वाला प्रीफिक्स वो मेरा ख्याल है सिर्फ शादी के कार्ड के लिए रह गया। वो डिग्री सिर्फ अब्बा के लिए, नाम सिर्फ शादी के कार्ड के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मारिया को अपना इंटरेस्ट मिल गया। कुछ लोगों को अपना इंटरेस्ट यू नो मरते दम तक नहीं पता चलता, जैसे कुछ लोगों में मैं भी शामिल हूँ, अभी तक मुझे अपने इंटरेस्ट नहीं पता। मारिया, लेट्स टॉक अबाउट योर रोल एट डेसिंग। तो आपका जो डेजिग्नेशन है, दैट इज कस्टमर समथिंग, इट्स रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप लीड। ओके, सॉरी, इट्स रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप लीड। और जब भी ये कोई बंदा सुनता है तो वो कहता है कि यार ये कौन होता है, मतलब क्या है ये, क्या पोजीशन है? सो अपनी इस पोजीशन के बारे में कुछ बताएं, अपने रोल के बारे में बताएं। जैसे आप भूल गई हैं, तो जैसे मैं डेवजिंग में नहीं आई थी, तो अभी फिगर आउट करना सबके लिए ज़रा न्यू था, आइदर इज़ फॉर मार्केटिंग या मैं अभी जैसे इंजीनियरिंग यूनिट के साथ काम कर रही हूँ। बट एज द नेम सजेस्ट, नहीं वैसे वाले रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मैं फिर अगेन कह देती हूँ, एज द नेम सजेस्ट रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। सो आई मोस्टली वर्क ऑन द आउटरीच, आई मोस्टली वर्क ऑन लॉकिंग द पार्टनर्स। अब होता क्या है इसमें, मोस्टली जो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इफ़ डेवजिंग इज़ ऑफरिंग अ सर्टन काइंड ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन के वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं, बट आपका सोसाइटी पे इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा। तो अगर आपने बियॉन्ड अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन में जाना है, तो फिर आपको दूसरे ब्रांड्स, दूसरी कंपनीज को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, बिकॉज यू येट अलॉन आप अकेले वो सारा इम्पैक्ट नहीं बना सकते। सो मेरा वहाँ पे रोल आता है कि इस तरह के ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करना, उनके साथ अपने कॉमन पॉइंट्स को देखना, एंड देन उन कॉमन पॉइंट्स से दोनों मिलके काम करें, सो दैट हम लोग फर्दर अपनी सोसाइटी को इनेबल कर सकें, एम्पावर कर सकें। लाइक रिसेंटली हमने इंटरसेक्स कम्युनिटी के लिए इन्फोजून के साथ पार्टनर किया था, दो वो मेरे आने से पहले थी, बट वो एक प्राइम एग्जाम्पल है इसको फिट करने के लिए। सो मेरा रोल उस टू वे रिलेशनशिप में है। तो हल्की आंच पे आप रिलेशनशिप एडवाइस देती हैं? हाँ, मेरा दिल कह रहा है कि मैं प्रोफेशनल से थोड़ा सा पर्सनल पे चली जाऊँ, मेरी एज भी ऐसी हो गई थोड़ा इंटरेस्ट भी और डेवलप हो जाएगा। सो मारिया, टेल मी, जिन क्लाइंट्स को आप लॉक करती हैं, सो ये आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं या फिर यू रीच देम आउट ऑफ नोवेयर? इट्स एक्चुअली बोथ। पहला ये चीज़ है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा था कि हम लोगों ने काम ही कंपनीज के CEOs और उनके साथ करना होता था, तो वहाँ से मेरे काफ़ी कनेक्शंस थे और नेटवर्क में मैंने काफ़ी अपने आप को एक्सेल किया था। और कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स हैं जिनको आपको न्यू मतलब फर्स्ट टाइम ही रीच आउट करना पड़ता है, तो ये दोनों वे में ही हम करते हैं। सो काफ़ी मुश्किल नहीं लगता आपको? काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, जो यू नो आप एक CEO को रीच आउट कर रहे हो विद योर यू नो ओन आइडिया, और मतलब पता नहीं उनका इंटरेस्ट उस तरफ है कि नहीं, और आगे से आप किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, तो काफ़ी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते होंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट भी, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो प्रोफेशनल पार्टनर्स है ना, वो एक्चुअल पार्टनर्स की तरह ही होते हैं, कि आपके दरमियान नोक जोक भी होती है, आपके दरमियान सैडनेस वाले, हैप्पीनेस वाले, सारे इमोशंस जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, उनको मनाना भी पड़ता बहुत बहुत उनको भी कई दफ़ा हमें मनाना पड़ता है। तो एक्चुअली ये टू वे रिलेशनशिप जो एक्चुअल पार्टनर्स की तरह होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वे में और होता है। इसमें एक ना एक फनी इंसिडेंट है, अगर हमारे पास टाइम है तो मैं उसको कोट करूँगी। तो मेरे प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट था, और हमने एक लीगल फर्म थी, उनके कंसल्टेंट को हायर किया हुआ था फॉर ए पैनल टॉक।
तो स्टार्टअप को बताना था कि लीगल अफेयर्स कैसे हैंडल करने हैं। अब उसमें दो पैनलिस्ट थे, अब वो इतनी जल्दी स्केड्यूल हुई थी कि मैंने दोनों को तो अलग-अलग बता दिया कि आपने पैनल टॉक करनी है, लेकिन मैं उनको ना को पैनलिस्ट का नहीं बता सकी। अब वो बस अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई हुई थी, सुबह जिस वक्त वो रिकॉर्ड होनी थी हमारी पैनल टॉक, वो मैंने एक स्पीकर को कॉल की, वो कहते कि ना अच्छा, मैंने उनको ना वैसे ही बता दिया कि दूसरे को पैनलिस्ट आपके साथ ही सेड व्हाट मारिया व्हाई आर यू टेलिंग मी दिस नाउ। मैंने कहा क्यों कोई प्रॉब्लम है, सेड कि मैं तो उसके साथ कोई फॉरम शेयर ही नहीं करूंगा। और मेरे लिए वो बड़ा एक स्टन मोमेंट था, मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं था, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं। हमने इतने स्पीकर्स को बुलाया था, सेड कि ना मैं नहीं आ रहा हूँ, और उन्होंने स्पेशली कराची से लाहौर आए हुए थे इस पैनल टॉक के लिए। अब वो मेरे फेवरेट थे, सबसे अच्छी बात यह, और मेरे उनके साथ फर्स्ट वन ऑन वन हुई, और वो भी इतनी पैथेटिक। मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ एक ऐसा करें, आप ऑफिस आ जाएं और हम इसका कोई ना कोई सलूशन। उन्हें कहा ठीक है मैं ऑफिस आ जाता हूँ आपके कहने पे, लेकिन मैंने नहीं बैठा उधर। अब मेरे में प्रेशर ये था, वहाँ पर प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, स्टार्टअप सब वेट कर रहे हैं, और मैं इधर फिर रही हूँ, और 15 मिनट्स पहले तक ये बात हो रही है कि पैनल टॉक नहीं होनी। मैं अपने मैनेजर के पास की, अब स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने उन्हें कहा कि ऐसे प्रॉब्लम होगी, अब आप बताएं क्या करें। उम्मीद अब देख के पहले हंसने लग गए, मुझे कहते हैं मारिया ये आपकी जंग है, आपने लड़नी है मेरे बेटा। लिटरली यानी वो जो स्माइलिंग उनकी एक स्मर्क थी ना, लाइक आपकी स्माइल वो है आपका मसला है। अच्छा मैं बाहर आई, अब कोई भी मेरा कोई साथी कुछ नहीं। इतनी देर में वो भी आगे, वो जो लीगल कंसल्टेंट थे, मैंने उनसे कहा ऐसा करते हैं 1.5 घंटे की पैनल टॉक थी, 45 मिनट्स आप ले लें, 45 मिनट्स मैं दोनों को दे देती हूँ, आप अपने अपने पॉइंट्स कर दें, आपका कोई आमना सामना नहीं है। अच्छा वो एग्री कर गए इस चीज़ पे। मैंने बड़े कामली, कोई मैं रूड नहीं हुई थी, चाहे अगर उनकी तरफ से मुझे एकदम ऐसा रिएक्शन आ भी गया था। हुआ ये कि एट दी एंड वो मुझे आए मेरे पास भी सेट के, मारिया मैं आपको एक चीज़ कहूँ, मैंने कहा जी, कहते सॉरी। तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा, मैंने कहा आप मुझे क्योंकि गलती मेरी थी सर, नो हम लोग इतना काम करते हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस, और मैं शायद वो ह्यूमन फैक्टर निकाल दिया था उस चीज़ में से। तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन दे दिया था, तो लेकिन आपने हैंडल कर लिया इस चीज़ को, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। और एक जो उसमें लर्निंग थी वो ये थी कि अगर आप थोड़ा सा काम रहते हैं तो आपको सजेशंस भी ज्यादा अच्छी आती हैं, आपका माइंड देता है, और आप ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को, अच्छे तरीके से डील कर लेते हो। लेकिन खैर वो जो इमोशंस वाली बात थी वो वही कि टेंट्रम्स पार्टनर्स के टेंट्रम्स इमोशंस टेंट्रम्स आ जाते हैं, बट उनको कामली डील करना चाहिए। तो ये बातें तो होती रहेंगी। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज यू नो अ लिटिल फन सेगमेंट, जिसमें ये है कि मैं एक वर्ड बोलूंगी एंड उसमें आपने द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड आपने वो बताना है। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज रिलेशनशिप लीड। I'm still single. NIC. Love. Lumps. Pressure cooker. Partner. Devzing is my new partner. And Devzing. The beginning of a new journey. Oh, amazing. So, जैसे कि आपका काफ़ी experience है field में, and आपका काफ़ी interest भी था आपकी last job में, मतलब आपके goals के साथ align करती थी, so वो छोड़ के Devzing आना, मतलब क्या reason थी, क्या वजह थी कि आपने Devzing को choose किया? सिंस आपने खुद ही मेंशन किया है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था 2-3 कंपनीज में काम करने का, और वहाँ पे भी एक अच्छा एनवायरनमेंट था जिसमें मैंने एक बहुत ही करियर डेवलपमेंट वाला एनवायरनमेंट था जिसमें काम किया है। लेकिन दो फैक्टर्स थे जो मुझे Devzing लेके आए हैं। फर्स्ट था मेरा प्रोफेशनल, और वो ये था कि चूँकि मैंने टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया है, तो अब मुझे थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स अपनी इन्हांस करनी थी, और उस फ्रेम में Devzing प्योरली फिट हो रहा था। सेकेंड पर्सनल है, बिकॉज मैं कल्चर और लोगों के साथ, टीम्स के साथ मैं इंजॉय करती हूँ, और मैं उस चीज़ को चाहती हूँ कि हर कंपनी बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट करे। मुझे ऐसा लगा कि वो कल्चर, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जहाँ पर काम कर रहे थे, और वैसे भी आपको एक ना एक वाइब आ जाती है पूरे इकोसिस्टम में जब आप इन होते हैं, कि Devzing में वो कल्चर सम हाउ एक मेंटेन कल्चर है, और इतना हम पर्सनली कनेक्ट नहीं करते जितना Devzing हमारे साथ पर्सनली कनेक्ट कर लेते हैं। लाइक मेरी प्रॉब्लम को वो अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, मेरी अचीवमेंट को वो अपनी अचीवमेंट समझते हैं। सो ये एक टू वे रिलेशनशिप है जो हमारे साथ शेयर करते हैं, एंड आई थिंक दैट वाज द प्राइम रीजन फॉर मी टू कमिंग टू Devzing। दैट्स व्हाई वी से Devzing वेयर पीपल कम्स फर्स्ट। सो थैंक यू मारिया फॉर कमिंग, आपसे बातें करके बहुत मजा आया। And thank you actually inviting me and considering me कि आप मेरी personality explore कर सकती हैं। नहीं आपसे बातें करके बहुत मजा आया। And thank you guys for watching, like and share it with your friends.